दर्शकों नमस्कार, सीरियल चल में आप सभी का स्वागत है। आज की हलचलों के साथ मैं आपके साथ हूं धर्मेंद्र भज। आइए रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। केदारनाथ से आज गुना पहुंची विशाल कावड़ यात्रा। दादाखेड़ी से लेकर शहर के मध्य जगह जगह कावड़ यात्रा का पुष्प वृष्टि से हुआ स्वागत। गायत्री मंदिर पर बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेसियों के साथ मिलकर किया कावड़ यात्रा के पदयात्रियों का स्वागत। डीजे की धुनों पर शिव भक्तों ने लगभग 30 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे उत्साह के साथ की पूरी। प्रभारी मंत्री जयमान सिंह पवैया उमरी में शामिल हुए कावड़ यात्रा में और स्वयं उठाई कावड़। ऑल इंडिया डीएसओ ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया धरना और किया प्रदर्शन। सभी छात्रों को प्रवेश की मांग को लेकर प्रशासन से की मांग और अभी भी 800 से अधिक छात्र पीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए हैं संघर्षरत। परेड पर आज स्वाधीनता दिवस की अंतिम रिहर्सल में एनसीसी पुलिस बल सहित स्काउट और विभिन्न छात्र छात्राओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा। स्काउट गाइड और रेडक्रॉस के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता और पर्यावरण तथा महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए केंद्र से लेकर हनुमान चौराहे तक निकाली रैली। शहर के प्रमुख हनुमान चौराहे पर गंदगी का आलम। चाट ठेला चालक नहीं करते हैं डस्टबिन का उपयोग। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद हाईमास्ट के ऊपर लगे बैनरों को उतारने की नगरपालिका कर्मियों ने शुरू की कवायद। बदरबास के पास खड़े हुए ट्रक में घुसी टबेरा। आस्था के 4 शिक्षकों की हुई दर्दनाक मौत। 4 शिक्षक हुए घायल। हॉस्पिटल में आज फिर पर्चे बनवाने के लिए मरीजों और उनके परिजनों में मची आपाधापी। कंप्यूटराइज पर्चों के बनवाने के फेर में फैल रही है अव्यवस्था। वंदे मातरम परिवार ने बमोरी में कॉलेज की स्थापना को लेकर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा था 6 फीट लंबा ज्ञापन। ज्ञापन स्वीकार करने पर वंदे मातरम परिवार के राजीव सोनी ने मुख्यमंत्री का माना आभार। श्रावण के तीसरे सोमवार पर आज जाटपुरा मंदिर से निकली भगवान भोलेनाथ की रथ यात्रा। जगह जगह रथ यात्रा की कर रहे हैं भक्तगण पूजा अर्चना। पगारा से टेकरी सरकार के लिए निकली झंडा यात्रा। सैकड़ों पदयात्रियों ने टेकरी सरकार के समक्ष लगाई अपनी हाजिरी। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए बिजली के तारों को ऊपर करते समय रोड पर पड़ी केवल लोडिंग वाहन में फंसने के चलते जामनेर के शासकीय शिक्षक मनोज सोनी की हादसे में हुई दर्दनाक मौत। मदद के लिए मनोज सोनी पकड़े हुए थे बिजली के केबल, इस दौरान हुआ था हादसा। रघुवंश विधायक जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति के लिए लिखा पत्र। साहित्यिक रुचि बढ़ाने के लिए आज से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शुरू की एक नई पहल। हर 15 दिन में एक नई कविता पोस्टर होगी शहर में प्रदर्शित। सामाजिक कार्यकर्ताओं का लक्ष्य शहर में लगभग 100 स्थानों पर लगे कविता पोस्टर। संत दुर्गादास जी की 380वीं जयंती के अवसर पर राठौर समाज ने पुरानी छावनी में किया प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान और आयोजित किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अध्यक्ष पवन राठौर के निर्देशन में हुए सभी सफल कार्यक्रम। आरोन में भी पहली बार निकाली गई विशाल कावड़ यात्रा। नगर के संकादिक आश्रम से लेकर यह यात्रा बाबा विश्वनाथ के धाम सिरोंज के देवपुर पहुंचेगी। जगह जगह कावड़ यात्रा का हुआ स्वागत। कॉलेज के श्यामा प्रसाद खेल प्रशाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाइव प्रोग्राम के पश्चात अब तक नहीं हटाए गए वहां से शामियाने के पाइप।
सुबह खेलने वाले बच्चों और खिलाड़ियों को होती है परेशानी। परसों रात जैस्तम चौराहे पर हुए हादसे में मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री ने दी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। गुना की कमला ट्रेवल्स की बस जयसिंहपुरा के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटना में एक ही हुई मौत, 9 यात्री हुए घायल। अवैध उत्खनन को लेकर मधुसूदनगढ़ तहसीलदार लोकेंद्र श्रीवास्तव ने की बड़ी कार्रवाई, 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर की चालानी कार्रवाई। केदारनाथ से लेकर मंदिर घाट तक के लिए कांवड़ यात्रा आज गुना शहर में गुजरी। इस दौरान भारी संख्या में जहां कांवड़ के पदयात्री पूरे उत्साह और उमंग के साथ पदयात्रा कर रहे थे, वहीं डीजे की धुनों में महिलाएं और बच्चे भी थिरकते हुए इस पदयात्रा में शामिल थे। ये पदयात्रा लगभग 30 किलोमीटर दूर केदारनाथ से शुरू हुई है और उसके पश्चात जगह जगह उमरी पाटई होती हुई ये नानाखेड़ी पहुंची। नानाखेड़ी से लेकर हनुमान चौराहे तक और हनुमान चौराहे से लेकर पूरे बाजार में जगह जगह पुष्प वृष्टि से कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। गायत्री मंदिर पर ममोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया और सम्मान किया। इसके साथ ही साथ हनुमान चौराहे पर भी कांवड़ यात्रियों का जबरदस्त रूप से सम्मान किया। इस मौके पर हमारी टीम के कैमरामैन हरीश कुशवा और पवन कुशवा के साथ विनोद कुशवा विभिन्न अलग अलग स्थानों पर इस कांवड़ यात्रा को कवरेज करने के लिए तैयार थे और वे इस पूरी कांवड़ यात्रा के पदयात्रियों का उत्साह अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। ऑल इंडिया डीएसओ ने आज जिलाधीश महोदय के कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का कारण यह था कि पीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए संघर्षरत छात्रों को अभी भी प्रवेश नहीं मिला है। 25% सीटें बढ़ा दिए जाने के बावजूद भी अब भी मात्र 300 लोगों का एडमिशन हुआ है, जबकि 800 छात्र पीजी कॉलेज में अभी भी प्रवेश के लिए कतार में लगे हुए हैं। आज ऑल इंडिया डीएसओ के छात्रों ने जिलाधीश महोदय के कार्यालय पहुंचकर अपील की और मांग की कि सभी छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित हो, जिनके फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित हो चुके हैं उनका प्रवेश सुनिश्चित हो, ऐसा प्रशासन को करना चाहिए। आज यहां पर जिला कलेक्ट्रेट पर सभी छात्रों द्वारा ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा यहां पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आप मतलब काफ़ी लंबे समय से छात्र मांग कर रहे हैं कि जितने भी छात्रों ने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराया, अपने एडमिशन के लिए सत्यापन कराया, उन सभी छात्रों को प्रवेश देना चाहिए। लेकिन हालात ये है कि आज CLC की वेटिंग लिस्ट लगी है, उसमें मात्र 10-12 छात्रों के नाम आए और अभी भी 800 छात्र ऐसे हैं अकेले बीए में जिनके एडमिशन में नाम नहीं आए। मतलब 800 छात्र अकेले गुना पीजी कॉलेज में शिक्षा से वंचित होने की स्थिति में आ गए, उनका भविष्य बर्बाद होने की स्थिति में आ गया। तो इसको लेकर के आज हम लोग जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि पिछली अभी 2 दिन पहले जो 25% सीट बढ़ाई गई थी उसमें मात्र 300 लोगों को एडमिशन मिल पाया है, बाकी जो 800 छात्र हैं इनके एडमिशन की भी व्यवस्था की जाए। जो फैकल्टी चेंज करना चाह रहे हैं उसकी लिंक नहीं सीट किया जाता क्योंकि जो फैकल्टी है वो चेंज हो पाए और बाकी जो छात्र बच रहे हैं वो सीट बढ़ाकर तो उनको भी एडमिशन दिया जाए, इसी को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग बात करने के लिए। स्वाधीनता दिवस की तैयारियों के सिलसिले में आज अंतिम रिहर्सल लाल परेड पर की गई और इस लाल परेड में जिला पुलिस बल, SAF, NCC, स्काउट सहित NSS के और विभिन्न अन्य स्कूलों के छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया और मार्च पास्ट की रिहर्सल की। इस दौरान जिले के प्रशासनिक अधिकारी ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस पूरे रिहर्सल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिन स्कूलों का चयन हुआ है उन स्कूलों के बच्चों ने भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी रिहर्सल दिखाई। पंद्रह अगस्त की इस अंतिम रिहर्सल के पश्चात स्काउट और गाइड के जो छात्र छात्रा थे उनकी एक रैली निकली। ये रैली केंट से शुरू हुई, हनुमान चौराहे होते हुए हार्ट रोड से ये स्काउट गाइड के ऑफिस पहुंची और इस दौरान महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन को लेकर ये जागरूकता की रैली में शामिल हुए। आज लाल परेड पर फाइनल रिहर्सल के बाद में स्काउट गाइड, रेड क्रॉस द्वारा एक रैली निकाली गई, स्वच्छता,
महिला जागरूकता और पर्यावरण रैली का आयोजन किया गया। ये रैली लाल परेड से होते हुए कैंट हनुमान चौराहा हाट रोड से होते हुए स्काउट गाइड ऑफिस और स्वतंत्रता पार्क पहुंची। यहाँ पे स्काउट गाइड और रेड क्रॉस के बच्चों ने साफ सफाई स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पे साफ सफाई की और इन्हें नाश्ते के बाद में इनको यहाँ पे घर के लिए छोड़ दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के पश्चात जो फ्लैक्स और बैनरों से पूरा शहर पटा हुआ था, अब शहर वापस अपने पुरानी नियमित स्थिति में आ रहा है। और इस दौरान हनुमान चौराहे पर हाईमास्ट पर जो एक बड़ा सा फ्लैक्स लगा हुआ था जिसने हाईमास्ट को ही ढक लिया था, अब उसे भी हटाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। नगरपालिका के कर्मियों ने इसे हटाने का काम शुरू किया है। वहीं हनुमान चौराहे पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यह शहर का मुख्य चौराहा है, यहां से वीआईपीज भी निकलते हैं, सामने कोर्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से हनुमान चौराहे के पास जो ठेला संचालक हैं, जो चाट का ठेला लगाते हैं या अन्य फलों की दुकान लगाते हैं, वे किस प्रकार से पूरे शहर के मुख्य चौराहे पर गंदगी करते हैं, आइए देखते हैं ये एक दृश्य। और जब हमने इस संदर्भ में संबंधित ठेला चालक से पूछा कि वह डस्टबिन का उपयोग क्यों नहीं करता, तो उसने ठेले के पीछे रखी हुई डस्टबिन बता दी कि मैं इस ठेले की जो डस्टबिन है इसका उपयोग ऐसे करता हूं। कितने सालों से ठेला लगा रहे हो यहाँ पे तुम? 4 साल हो गए। यहाँ पे आप डस्टबिन क्यों नहीं रखते? यात्रियों ने आपसे कितनी बार बोला है कि डस्टबिन रखने का, कुछ बोला कभी? मुझे गंदगी बहुत गंदगी पड़ी है, लोग बैठते हैं और पूरी गंदगी मच रही है। बदरवास के पास आज एक टबेरा खड़े ट्रक में घुस गई। इस टबेरा में शिक्षक थे और ये शिक्षक आगरा साइड से घूमकर आ रहे थे। इस दौरान इस हादसे में 4 शिक्षकों की तत्काल घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि 4 अन्य शिक्षक घायल हुए। घायलों को गुना के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। हमने उनसे जानकारी ली कि किस प्रकार से यह दुर्घटना हुई और एक घायल शिक्षक ने हमें बताया। अरुण परमार, राहुल, अरुण 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 परमार जी, आस्था से यहाँ जी। तो आपको याद है कि आप लौटते समय कार में टकराए? सर ट्रैक में। अच्छा अच्छा, तो घायल कौन कौन है बचा आपने? सर लोग हैं, 2 और 3। अच्छा, 4 हमें गाड़ी में नहीं आए वहाँ से, हॉस्पिटल से भी यहाँ रेफर कर दिया। हाँ, 4 स्वस्थ हैं और बाकी लोग और भी आपके साथ में और भी थे ना? लोग और भी थे। लगभग कितने लोग थे आपके साथ? 4 लोग। और 4 लोग और, तो उनके साथ क्या स्थिति है उनकी? सर स्थिति का भी मालूम नहीं पड़ी है। अच्छा, क्या कह रहा है कोई, क्या कह रहा है? अच्छा अच्छा, सब अलग अलग बोल रहा है कुछ ना। तो जगह का आप याद है कुछ, बदरवास के इधर या उधर कहाँ हुआ? सर काम तो पड़ता भी वैसे हाईवे पे ही है, ट्रैक खराब है। अच्छा, जैसे ही गाड़ी गई वैसे ही हमें देखा, तो बस कुछ नहीं बता सकते क्या हो चुकी हालत। लोगों ने फोन पे गाड़ी बुलवा ली 108 और हम आए यहाँ से रेफर नहीं कर इतना ध्यान। कंप्यूटराइज पर्चियों की शुरुआत होने के पश्चात गुना के जिला चिकित्सालय में ओपीडी के बाहर माहौल बड़ा आपाधापी का रहता है। लंबी लंबी कतारें होती हैं जिनमें आज तो महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और वे पर्चियां बनवाने के लिए परेशान हो रही थी। असल में जब से कंप्यूटराइज हुआ है तब से कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है, कभी कोई परेशानी आती है, कभी बिजली का व्यवधान आ जाता है, जिसके चलते नियमित रूप से जो पर्चे मैन्युअली जल्दी बन जाया करते थे वे पर्चे नहीं बन पाते हैं और उसकी वजह से एक लंबी लाइन बनती है और इस वजह से उन मरीजों को बहुत परेशानी होती है जिन्हें अंदर वार्ड में जाना है, उन परिजनों को परेशानी होती है जिन्हें अपने मरीज को देखने जाना या लेकर जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी इस स्थान पर एक आपाधापी ओपीडी के पर्चे बनवाने के लिए लगातार पिछले 3 से 4 दिन से लग रही है। वंदे मातरम परिवार ने कल बमोरी में शासकीय महाविद्यालय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 6 फीट लंबा ज्ञापन पत्र सौंपा था।
इस ज्ञापन पत्र को स्वीकार करने के लिए वंदे मातरम परिवार के राजीव सोनी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना है और ये भी संभावना जताई है कि शीघ्र ही उनकी मांग पूरी होगी। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में साफ कहा था कि बमोरी में शासकीय महाविद्यालय की मांग पूरी होगी, लेकिन ये तभी होगी जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां से जिताया जाएगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं राजीव सोनी, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वंदे मातरम परिवार की ओर से हम पिछले कई वर्षों से 2017 की शुरुआत से बमोरी में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु हम लोग आंदोलित हैं एवं इस ओर हम लोग अग्रणी बहुत आंदोलन कर रहे हैं एवं हस्ताक्षर अभियान वगैरह काफ़ी चीज़ें हमने चलाई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने अभी तक मुख्यमंत्री महोदय एवं राष्ट्रपति महोदय को भी बहुत सारे ज्ञापन प्रेषित किए थे, जिसमें कि कल मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में हमने 6 फीट लंबा एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें कि बमोरी के सभी कार्यकर्तागण, विधानसभा के सभी कार्यकर्तागण, बमोरी विधानसभा के सभी कार्यकर्तागण एवं वहाँ के छात्र विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इस ज्ञापन को हमने भदौरा में मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया और आग्रह किया कि बमोरी में एक उच्च शिक्षा हेतु बालक बालिकाओं की कॉलेज की स्थापना की जाए और उन्होंने इस हेतु तुरंत ही ये कदम उठाया और घोषणा की कि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं एवं सभी विद्यार्थियों के, बमोरी के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। गुना में आज श्रावण के तीसरे सोमवार पर मंदिर घाट से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शिव पालकी निकल रही है। भगवान शिव की इस रथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और जहां जहां से ये रथ यात्रा गुजर रही है वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सभी अपने व्रत उपवास के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। बघारा से लेकर हनुमान टेकरी तक आज एक झंडा यात्रा निकाली गई। ये झंडा यात्रा बघारा से आरंभ हुई थी और सभी श्रद्धालु बघारा, मावन, केंट, हनुमान चौराहा होते हुए हनुमान टेकरी पहुंचे और वहां सभी पदयात्रियों ने हनुमान जी के समक्ष अपना माथा टेका और हाजिरी लगाई और अपनी मनोकामना के लिए उन्होंने अपनी अरदास लगाई। संत दुर्गादास राठौर की 380वीं जयंती के उपलक्ष्य में राठौर समाज द्वारा पुरानी छावनी स्थित राठौर धर्मशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही साथ कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राठौर समाज के अध्यक्ष पवन राठौर के निर्देशन में ये सभी कार्यक्रम सम्पन्न हुए हैं। जिले का नाम रोशन किया है, जिले में टॉप किया है। डोली राठौर से मैं आग्रह करूंगा मंच पर आए और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और राठौर समाज के अध्यक्ष आदरणीय आरोन ने प्रथम बार कावड़ यात्रा निकाली गई। इस कावड़ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। संकादिक मंदिर से आरंभ हुई यह कावड़ यात्रा सिरूंज के विश्वनाथ धाम देवधाम पहुंचेगी। देवपुरा पहुंचने पर इस तीर्थ यात्रा और कावड़ यात्रा का समापन होगा।
शहर के मुख्य मार्गों से निकली इस कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। हमारे आरोन के सहयोगी मिथुन शर्मा ने हमें इस संदर्भ में दी है जानकारी। कल जन आशीर्वाद यात्रा के आगे निकालने के लिए बिजली के तारों को ऊपर किए जाने का काम चल रहा था। बिजली विभाग द्वारा यह काम किया जा रहा था। इस दौरान एक शासकीय शिक्षक जो कि मनोज सोनी थे जामनेर के, वे इसमें मदद कर रहे थे, लेकिन अचानक एक लोडिंग वाहन बीच में से गुजरा और बिजली के तारों को लपेटता हुआ आगे निकल गया। इसमें मनोज सोनी फंस गए और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। अपने आप चली जाएगी अंदर, उसे अंदर ले जाओ। दो हाथ बचा कर भैया, आराम से ले जाओ। मधुसूदनगढ़ में अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन को लेकर मधुसूदनगढ़ के तहसीलदार लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बड़ी कार्रवाई की है और उन्होंने विशन खरड़ा के टेम नदी पहुंचकर वहां से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर उन्हें उकावत थाने पहुंचा दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने जिलाधिकारियों को दस्तावेज भेज दिए हैं। पिछले काफी दिनों से मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन की बातें आ रही थी और इस दौरान दबंग लोगों ने तहसीलदार पर भी गाड़ी चलाने का प्रयास किया था। हमारे मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के संवाददाता और हमारे सहयोगी टोनी शाह ने तहसीलदार महोदय से बातचीत की और उन्होंने इस पूरी बातचीत के माध्यम से हमें बताया कि किस प्रकार की कार्रवाई की है। सर, ये ट्रैक्टर कहाँ पकड़े हैं और क्या मामला है? जो अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन का मामला है और ये विष्णुखेड़ा नदी टेम नदी के पास पुल के पास ट्रैक्टर पकड़े हैं और तो सूचना मिली पटवारी द्वारा, ग्राम पटवारी विष्णुखेड़ा द्वारा सूचना मिली। उसका नाम हरियाली लाल पटवारी है। उसने बताया कि यहाँ पर 3-4-5 ट्रैक्टर खड़े जा रहे हैं, तो मैं मौके पर पहुँचा। पुलिस बल को भी सूचना दी, पुलिस बल के कमीशन हेड कंस्टेबल के द्वारा पहुँच कर वहाँ रास्ते में ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर भरे हुए पकड़े गए और मौके पर जब पहुँचे तो ये ट्रैक्टर खाली हो गया था। तो दर्शकों, आज की हलचल में अब बस इतना ही। कल फिर नई हलचलों के साथ हम होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र बज को दीजिए अनुमति। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे कार्यक्रम बिजनेस प्लस की दुनिया में, हमारे कंप्यूटर एडिटर कैलाश कुशवा, कैमरामैन हरीश, पवन और विनोद कुशवा के साथ। वाटिका नर्सरी, हमारे यहाँ सभी प्रकार के इंडोर, आउटडोर, छायादार, फलदार पौधे उपलब्ध हैं। साथ ही कई प्रकार के गुलाब के पौधे तथा अन्य पौधे भी उपलब्ध हैं, जैसे गुड़हल, क्रोटॉन, रातरानी, मोगरा, चंपा, सेफलेरा आदि शोभायमान एवं फूल वाले कई प्रकार के पौधे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। इसी के साथ ही मौसम्बी फूलों वाले पौधे के थोक व रिटेल विक्रेता। हमारा पता है ग्राम मावन अशोक नगर रोड गुना। जी, हमारा पता है ग्राम मावन अशोक नगर रोड गुना।